जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीनगर के रैनावारी इलाके में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि एक ग्रेनेड हमले में 3 पुलिसकर्मियों, 2 ट्रैफिक पुलिस, केंद्रीय रिजर्व बल के एक जवान और एक नागरिक सहित 7 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया है। हालांकि पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं, वहीं हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं मंगलवार को श्रीनगर के सौरा इलाके में हुई मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई थी, जबकि एक आतंकवादी घायल हो गया था। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया था कि आतंकियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में अभियान शुरू किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 आतंकवादी कार में घूम रहे हैं। पुलिस की एक टीम ने उनका पीछा किया और इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं एक पुलिस कांस्टेबल भी मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।